हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई टी बेल्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक के जो एलिजिबल लिस्ट है वो आ रहे हैं और किनका पेपर होगा, वो सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ 19-21 जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि प्रमोटेड कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनका भी एडमिट कार्ड आ रहा है, तो क्या उनको एग्जाम देने जाना होगा या क्या करना होगा, इन चीजों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ किनका पेपर चल रहा है और किनका नहीं चल रहा है, हर सेशन का यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो फिर उन्हीं चीजों को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और सेम चीज का कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि सीबीटी जो है एलिजिबल लिस्ट है, जहाँ की डेट्स मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। डेट देख लीजिए, यहाँ पे 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। और यहाँ पे सीट वाइज आपको दिखा दूँ तो ये छत्तीसगढ़ का हालांकि लिस्ट है, जहाँ की 1 तारीख को एग्जाम है, फिर उसके बाद 6 से लेकर के देख पा रहे होंगे 12 तारीख तक, 12 फरवरी तक एग्जामिनेशन है। उत्तर प्रदेश में यही यदि बात करूँ तो देख लीजिए, और अदर राज्यों का भी इसी तरह का सीन है कि 1 तारीख से लेकर टोटल जो है 12 तारीख का जो भी बच्चे बचे हुए हैं, लाइक 19-21 सेशन के जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं या फिर आपका जो 20-21 सेशन का 1 ईयर टेट वाला जो कैंडिडेट्स है उनका पेपर चल रहा है। बट गाइस, इसी बीच जो है यहाँ पे कुछ सेशन ऐसे भी हैं जहाँ की लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स थे, जैसे कि 20-18-20 के सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स, इनका भी पेपर जो है चल रहा है, उनका भी जो है एलिजिबल लिस्ट आया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था। बट गाइज, एक जो है बहुत ही अजीबो गरीब जो एक तरह से जो वारदात हो रहा है, जो बहुत ही बिल्कुल समझ से परे वाला जो सिचुएशन आ गया है, ये कि 19-21 जैसा आप लोगों को पता होगा, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि 19 ईयर के जो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 19 ईयर के जो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स थे, जो कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिनको कि बैक लगा था, वैसे बच्चों को तो प्रमोट कर दिया गया था। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि यहाँ आप लोगों को मैं लेटर दिखा दूं, यहाँ लेटर में देख पा रहे होंगे 29 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था वहां पे जो है एग्जेम्पशन कर दिया गया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जिनको बैक था, देखिए 18-20 के कैंडिडेट जिनको जो कि सप्लीमेंट्री थे, 19-21 या फिर 18-20 के जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स थे, ठीक है, उनका पेपर जो भी ट्रेड थे WCS ES का पेपर क्या कर दिया गया था, एग्जाम्पशन एग्जाम्पलेट कर दिया गया था, ठीक, मतलब उनको एग्जाम नहीं देना है। रिजल्ट उनका जो है प्रैक्टिकल और ED के आधार पर जो है ये होता, जारी होता। बट ऐसा मतलब कमेंट्स भी बच्चे मुझे बोल रहे थे और इधर तो जानकारी भी थोड़ी बहुत आई है कि 19-21 जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो 19-21 कैंडिडेट के कुछ बच्चों के जो है एडमिट कार्ड भी आ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह DGT का ऑफिशियल लेटर है जहाँ की बच्चों को प्रमोट किया गया है। साथ ही साथ जो है 20-22 के जो भी कैंडिडेट्स थे, 20-22 के कैंडिडेट का जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट को भी प्रमोट किया गया है, इनको इनका भी जो है मार्क्स जो है ट्रेड थ्योरी ES और WCS का किस आधार पर मिलेगा, तो प्रैक्टिकल और ED के आधार पर मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे ये लेटर तो आप लोग को मैंने दिखाया, लेकिन अभी आपको भी लगेगा कि सर आपने पहले कहा था कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अभी एडमिट कार्ड आ रहा है तो क्या करें। तो देखिए, यहाँ पे जो है DGT का बेवकूफी है, ये क्या है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बट गाइस, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग का देखिए काम है बिल्कुल आपको अपडेट देना, कोई भी जानकारियां हैं वो आप तक जो है मिस ना हो, हर अपडेट आप लोग को अपने चैनल पर मैं देता रहता हूँ, ताकि किसी भी तरह का नुकसान किसी भी विद्यार्थी को नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि DGT यदि लेटर जो है एडमिट कार्ड यदि जारी कर रही है, तो एडमिट कार्ड जारी करना है तो दैट मीन्स कि आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप कंप्लेन डलवा सकते हैं कॉलेज में, ठीक है, अपने कॉलेज को बोल करके जो है हेल्प डेस्क पे कंप्लेन करवा दीजिए कि भाई जब एग्जाम का जो है प्रमोट कर दिया गया तो फिर क्यों एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है, ये चीज कर दे। लेकिन एग्जाम देने इसलिए चले जाए क्योंकि DGT का देखिए कोई भरोसा नहीं यार उसके, और वो चीजों को समझता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। बच्चे मेल करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, हालांकि DGT हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप अपना शिकायत दर्ज कर पाइएगा, यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है, PDF फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को, या इमेज फॉर्म में देखिए यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और ये कंप्लेन है यहाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ईमेल आईडी या फोन नंबर यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके जो सूचनाएं दे सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी समस्या है बता सकते हैं कि एडमिट कार्ड क्यों आ गया भाई जब प्रमोट हो गया था, तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो न्यूज आया है 19-21 के जो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स का जो है एडमिट कार्ड आया है, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट का एग्जाम का एडमिट कार्ड उन लोग आ चुका है। अब वैसे स्थिति में उनको एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा, लेकिन कंप्लेन दिलवा दीजिएगा, ठीक है। अब 18-20 जो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट जो फेल है, अब सवाल यहाँ भी खड़ा हो रहा है कि हो सकता है कि इनका भी एडमिट कार्ड जारी किया हुआ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग का भी आया है कि 18-20 जो फर्स्ट ईयर में जिनको बैक लगा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं,
जो कि लेफ्ट ओवर ट्रेनीज है या फिर सर्वर एरर में जो प्रॉब्लम था या एब्सेंट थे या फिर जो बैक लगा था उनका पेपर जो है हो रहा है। और ये पेपर तो वैसे भी होना ही था, इसके लिए तो कोई प्रमोशन की बात नहीं थी, तो ये हो रहा है। आप लोग एडमिट कार्ड एनसीबीटी प्रॉब्लम चेक कर लीजिएगा, इसके पहले वाले अपडेट में आप लोगों को हम लिस्ट भी दिए हुए थे, टेलीग्राम में जुड़ करके देख लीजिएगा या फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बता दिया। अब 19-21 का जो सेकेंड ईयर है उनका तो पेपर चल रहा है रेगुलर में, जिसका की सीबीटी लिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे आगे भी हम लोग बढ़ते हैं तो 19-21 भी रेगुलर कैंडिडेट्स हैं और लिस्ट में आप लोग को इस लिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। 19-20 के कैंडिडेट्स का तो ठीक है, इनका भी पेपर चल रहा है। उसके बाद 20-22 का सेशन की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर जो है प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। 20-22 के कैंडिडेट्स को फर्स्ट ईयर का प्रमोट कर दिया गया, बट अभी जैसे 19-21 का प्रमोट किया गया था फिर भी एडमिट कार्ड आ गया, तो 20-22 के कैंडिडेट भी जो देख रहे हैं वीडियो वो भी बताइएगा कि क्या कमेंट्स में क्या आप लोग का भी आया है। आप लोग को चेक करना है कैसे, ट्रेनिंग प्रोफाइल खोल लीजिएगा एनसीबीटी पोर्टल में और फिर वहां पे जो है देखिएगा जो है एडमिट कार्ड आ रहा है क्या। जिनका आ रहा है तो आप देने तो चले जाइए लेकिन कंप्लेन करवा दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए 20-22 का जो सेकंड ईयर है उनका तो अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा और 21-23 जो सेशन है उनका भी कब होगा तो अक्टूबर में पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, और इनका 20-22 का कब होगा सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर प्रमोटेड है, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बट एडमिट कार्ड आ रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर लेटर का क्या मतलब था। उसके बाद देखिए 20-22 जो कैंडिडेट है, सॉरी 20-21 जो कैंडिडेट है उनका भी पेपर चल रहा है रेगुलर वाले का। तो सारे जितने भी यहाँ पे गाइज एग्जाम्स चल रहे हैं और एडमिट कार्ड जिनका आ रहा है तो मैंने सारा डिटेल सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। फिर भी कुछ आप लोगों की समस्या रहती है इन वीडियो के अलावे तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पे आप लोग को बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे जिनका भी पेपर हो रहा है, चलिए सब जो वीडियोज बनाए हुए हैं जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे एक एक वीडियो जो है मेरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के हिसाब से एक एक वीडियो से आप लोग के जो है 15-20 क्वेश्चन फंस रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लड़के ने कमेंट भी करा है। ईएस का एक घंटे का वीडियो बना हुआ है, इसको पढ़ के जाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से पास कर जाइएगा। WCS के लिए जो है 5 वीडियो जो है बनाए हुए हैं सुपर 25 क्वेश्चन सेट के नाम से, आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। होप गाइस कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और कमेंट में जरूर बताइएगा किनका किनका जो है प्रमोटेड वाले कैंडिडेट्स का जो है पेपर फिर से लिया जा रहा है, ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन अगले कुछ जो है अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे जो है जितनी भी अपडेट्स है आप लोगों को छोटी से बड़ी हुई सारी अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।